अस्सलाम वालेकुम नाज़री, मैं हूँ डॉक्टर हुमा मीर और मेरे साथ मौजूद हैं इंतखाब अहमद। नाज़रीन, हम एक नया प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसका नाम है दिल अपना पाकिस्तान। जी इंतखाब साहब, ये बड़ा खूबसूरत नाम है और चूँकि हमारा जो दिल है वो पाकिस्तान में ही है, शायद इस वजह से हमने इस प्रोग्राम का नाम दिल अपना पाकिस्तान रखा है। क्योंकि हम दुनिया में चाहे कहीं भी रहें, अमेरिका में, कनाडा में, कहीं भी किसी भी खत्ते में हों, लेकिन जो आपकी मिट्टी है, जो आपका वतन है, जो आपका मुल्क है, उससे आपकी मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। और हमारा ताल्लुक कनाडा से भी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ताल्लुक कनाडा से है और हम कनाडा में भी कोस्ट टू कोस्ट जो पाकिस्तानी हैं बसते और उनके आने और जो नई नस्ल यहाँ पे पाकिस्तानी है, हम उन्हें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम। बिल्कुल, और ये ख़ास इस प्रोग्राम का मकसद है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उन्हें पाकिस्तान के कल्चर के बारे में, आर्ट के बारे में, सकाफत के बारे में, आर्टिस्टों के बारे में मालूम हो सके। तो इस प्रोग्राम में आप देखेंगे धनक, और धनक में बहुत सारे रंग होते हैं। हमारे प्रोग्राम में भी बहुत सारे रंग हैं। इसमें मौसीकी है, इसमें शायरी है, हालात हाजरा है, फैशन है और बहुत कुछ है। और इसमें ख़ासतौर पर ईस्ट और वेस्ट का इम्तिज़ाज जो है म्यूज़िक का, वो भी हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे भी क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग किस तरह से इंजॉय करते हैं इस नए म्यूज़िक को। आपको मालूम है नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने बहुत सारी कवालियाँ, बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो इस पे किए हैं, ईस्ट और वेस्ट म्यूज़िक पे। बिल्कुल, और नाज़रीन, आज चूँकि हमारा पहला शो है तो हम अपने प्रोग्राम को डेडिकेट करना चाहेंगे मलका तरन्नुम नूरजहाँ को, क्योंकि पाकिस्तान में उनसे बड़ी गुलकारा कोई और पैदा नहीं हुई। वो बहुत अच्छी सिंगर थी और जैसी उनकी आवाज़ थी वैसी तो किसी की है नहीं। तो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे उन्हीं के गाए हुए गीत, बहुत सारे गीत। हमारी कोशिश ये होगी कि हम वो गीत पेश करें जो आपके फेवरेट हैं। तो इंतखाब साहब, हम पहला गाना पेश करते हैं, ये सरप्राइज़ रहेगा। और आप सुनिए, प्लीज़ देखिए, सुनिएगा कि नूरजहाँ की आवाज़ में कितनी वर्सटैलिटी थी। बिल्कुल, और किस तरह से वो गाने को लेती थी, गज़ल हो, गीत हो, उन्होंने हर चीज़ में मास्टरी की थी। वो मास्टर थी, मास्टर फॉर सिंगर। बचपन से मलका तरन्नुम जो है वो गुलकारी के शोबे से वाबस्ता। और मैं एक बड़ा दिलचस्प वाक़य आपको सुनाती हूँ कि जब वो छोटी थी, कम उम्र थी, तो उनकी आवाज़ बंद हो गई थी। तो वो एक किसी बुज़ुर्ग की दरगाह पे गई और वहाँ उन्होंने अल्लाह से दुआ की और फिर यूँ हुआ कि अल्लाह ने उन्हें ऐसी आवाज़ दी कि दुनिया भर में उसका डंका बजा। तो सुनते हैं मलका तरन्नुम की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गाना।
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको कैसा लगा नकमा? बहुत अच्छा था इंतखाब साहब। और ये मुझे बताएं आप किसका इंतखाब है? मैं इंतखाब, मुझे लग रहा है इंतखाब हूँ किसी और का, मुझे मुंतखब करता कोई और कोई और है और क्या शायरी, नया शेर हो गया। अच्छा, ये तो अच्छा हो गया। नाज़रीन, ये जो धनक है आज हमारा जो रंग है धनक का, वो है मौसीकी मलिका तरन्नुम नूरजहां। और नूरजहां ने एक नज़्म गाई फैज़ अहमद फैज़ की, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और उसकी इतनी धूम मची कि इतना अच्छा उन्होंने गाया कि फैज़ साहब खुद कहते थे कि नूरी तुम ये अपनी नज़म पेश करो। तो नूरजहां को प्यार से नूरी कहते थे, और उनके जो बेटियां हैं, उनकी जो नवासियां हैं, उनके जो पोते हैं, वो सब उनको जो हैं वो नूरी कह के बुलाते थे। तो मलिका तरन्नुम की जब ये इस नज़म का जिक्र हो रहा है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, तो क्या ख्याल है इंतखाब साहब, ये गाना अपने नाज़रीन को भी सुनाना? नाज़रीन को बहुत ज़रूरी है उन्हें सुनाना, ताकि वो उन्हें इंजॉय करें वो इस गाने जी को। तो आइए देखते हैं। सिप
बैक, आप देख रहे हैं दिल अपना पाकिस्तान और मलिका तरन्नुम को आज का प्रोग्राम हमने डेडिकेट किया है। मौसम है बहार शुरू हो गया है और बहार का मौसम यानी बसंत का जो मौसम है, स्प्रिंग जो है, वो उम्मीद के बन आने से, उमंगों से और खुशियों से ताबीर किया जाता है। जो शायर हजरात हैं इंतखाब साहब, उन्होंने इस मौसम में बहार के लिए बड़ी खूबसूरत शायरी की है। गुलों के खिलने से लेकर और पेड़ों पर नए पत्ते आने तक चमन में बहार आ गई है। बिल्कुल, आप देखेंगे नए तरह तरह के रंग फूलों के और इतने खूबसूरत लगते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और तबीयत भी तरोताज़ा हो जाती है। पाकिस्तान में तो साल के 12 महीने अगर मैं कराची की बात करूं तो एक जैसा मौसम रहता है, लेकिन सारे ही मौसम पाकिस्तान में पाए जाते हैं, गर्मी, सर्दी, खिजां, बहार, बरसात। यहाँ कैनेडा में और स्पेशली यहाँ वैनकूवर में जनाब, ये जो आजकल वेदर है ये बहुत प्लेजेंट, बहुत हसीन, बादल छाए हुए हैं और रिम झिम भरका भी बरसती रहती है। चारों तरफ आप देखें चमन में फूल खिले हुए हैं रंगारंग, जिससे तबीयत भी जो है वो मुअत्तर हो जाती है। बिल्कुल, और हम इस प्रोग्राम में आपको गिलगित से ग्वादर तक के रंग दिखाएंगे और कनाडा में ईस्ट टू कोस्ट टू कोस्ट आपको कनाडा के तमाम रंग दिखाएंगे, ताकि हमें बिल्कुल अपनाइयत लगे कि हम अपने अपने दूसरे देश जो कि कनाडा है उसको भी इसी तरह हम लव करते हैं कि हमारा दिल जो है खुशी से बाग बाग होता है यहाँ पे। बिल्कुल, और इस मौसम में बहार की बात के बाद मलिका तरन्नुम नूरजहाँ की आवाज़ में एक खूबसूरत सा गीत आपकी नज़र।
जी नाज़रीन, बताइए कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम? अच्छा लगा, आपको पसंद आया तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं, हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमसे राबता कीजिए, हमें फ़ोन कीजिए, ईमेल कीजिए, लेकिन हमें बताइए कि हम अपने प्रोग्राम में किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं। आपकी तजावीज़ और आपकी मशवरों का रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर हुमा मीर और इंतखाब अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैं इमरान खान पे बहुत खुश हूँ कि मेरा खूबसूरत इतना हसीन तसव्वुर इनसे पूरा हुआ। मेरा गला वो काम ना कर सका जो इनका बल्ला कर गया। मैं तन्हा थी, मैंने आज से 15 बरस पहले सोचा कि हॉस्पिटल बने। मैंने बहुत कोशिश की मगर पूरा ना हुआ। अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे और इन्होंने मेरे घर आए। और इमरान खान, सज्जाद मियाँ, सज्जाद गुल साहब और मियाँ दाद साहब इतने नेक काम के लिए आए और मैं इतना लेट गाती भी नहीं, फिर भी मैं खुश नसीबी समझती हूँ और अपने अल्लाह का लाख लाख शुक्र करती हूँ। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है और आप लोगों की दुआएं हैं जो आज मैं आप में शामिल हूँ। मैं मैडम की तबीयत नासाज है, लेकिन ये एक आर्टिस्ट की ग्रेटनेस ही कहा जा सकता है कि मैडम ने खुद कहा था कि मैं बीमार हूँ ठीक है लेकिन मैं गाऊंगी जरूर। गिव अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन।
मैं